हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद श्रद्धा। आज मैं आप लोगों के लिए बची हुई रोटी का टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत आसान है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने रात की बची हुई रोटी का यूज किया है। आप चाहें तो ताज़ी रोटी का भी ये नाश्ता बना सकते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक रोटी ले ली है और इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसके चार टुकड़े भी कर सकते हैं। मैंने 8 टुकड़ों में रोटी को कट किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी रोटी को काट लिया है। अब हम मीडियम साइज़ के 4 आलू ले लेंगे, जिसे मैंने बॉईल करके ले लिया था, और बारीक वाले ग्रेटर की सहायता से इसे ग्रेट कर लेंगे। आलू में बिल्कुल भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को भी ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं आलू में एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है। साथ में ही मैं इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाल दूंगी। मिर्च आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी है, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग डाल दी है। साथ में 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है और स्वादानुसार नमक डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें अब ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँ देना है और सारी सामग्री को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी सामग्री को आलू में अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं हैं। अब मैं एक रोटी का टुकड़ा उठाऊँगी और इसके ऊपर हमें आलू की पतली सी लेयर बना देनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरह से आलू की लेयर इस पे बना रही हूँ, और दूसरा टुकड़ा हमें लेकर इसके ऊपर लगा देना है। जैसे हम सैंडविच बनाते हैं, उसी तरह का शेप हमें रोटी को दे देना है। इसी तरह से मैं सारी रोटी को बना के तैयार कर लूँगी। कुछ रोटी के ऊपर मैंने 2 लेयर आलू की लगा दी हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी रोटी के ऊपर आलू की लेयर लगा के उसे एक प्लेट में रख लिया है। फ्रेंड्स, ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी बनी है। आपके पास जब भी रोटी बचे तो आप इस तरह से ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। अब हम एक बड़े बर्तन में 4 से 5 चम्मच बेसन ले लेंगे। बेसन फ्रेंड्स हमें ज़्यादा नहीं लेना है, 5 चम्मच बेसन काफ़ी होगा इस नाश्ते को बनाने के लिए। बेसन का हमें पतला सा घोल बनाना है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब जीरा और 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालूंगी। 1 चम्मच के करीब हमें इसमें लाल मिर्च और 1 चुटकी हींग डालनी है। नमक अपने स्वादानुसार डालना है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच के करीब चाट मसाला डाल दूंगी और 1 हरी मिर्च को हमें बारीक काट के डाल देना है। साथ ही इसमें मैं बारीक कटे हुए हरे धनिया को भी डाल दूंगी। जो मसाले हमने आलू में ऐड किए थे, वही मसाले मैंने इसमें डाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे मसाले बेसन में डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हमें पतला सा घोल बना लेना है। पानी को हमें एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से इसका घोल बनाया है। आपको इसी तरह से इसका घोल बनाना है। जैसे हम पकौड़े का घोल बनाते हैं, उससे हमें थोड़ा सा पतला रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं चम्मच पे आपको दिखा रही हूँ, इस पे एक सीधी लाइन सी बन रही है। हमें इसी तरह से इसका घोल बना के तैयार कर लेना है। नाश्ते को तलने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें सरसों का तेल डालकर अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमने जो रोटी के ट्रायंगल शेप बना के तैयार कर रखी थी, एक एक टुकड़े को हम बेसन के घोल में डिप करते जाएंगे और जितने कढ़ाई में आएंगे उतने हम कढ़ाई में तलने के लिए डाल देंगे और इसे एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये नाश्ता एक साइड से सिक चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे करके पलट देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तल लेंगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रोटी का नाश्ता कैसा लगा और आगे आप किस तरह का नाश्ता या कोई रेसिपी देखना पसंद करेंगे। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये भी पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा नाश्ता अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएंगे और बाकी बचे हुए नाश्ते को भी इसी तरह से तल कर तैयार कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरे बैच में भी नाश्ते को उलट पुलट करके तल लिया है और हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। आपके घर में जब भी गेस्ट आए तो आप उन्हें भी ये नाश्ता बना के खिला सकते हैं। कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि इसे आपने बची हुई रोटी से बनाया है और बच्चे तो इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। नाश्ते को और करारा बनाने के लिए आप बेसन में चावल का आटा भी मिला सकते हैं, इससे नाश्ता आपका और करारा बनके तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। इसे मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, ये खाने में बहुत टेस्टी बना है। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।